सभी लोगों ने अन्न के साथ अपने अपने घर में जो भी पकाया हुआ है सब लोग गोवर्धन गणेश के पास ला ले और सब लोग खाना पका के पूजा कर रहे थे। आपको तो पता है थोड़े लोग महर्षि नारद जैसे होते हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा लगाना उनका काम ही होता है, देखना तमाशा क्या है। भगवान नारद वहाँ आए और देखने लगे, वाह वाह वाह, कृष्ण को इधर तारीफ करी, कृष्ण भगवान आप क्या कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनके पेट में नहीं रह गया, भागते हुए इंद्र के पास गए। इंद्र के पास गए और बोले, वाह इंद्र क्या तेरी बात है, तेरी तो पृथ्वी पर तेरी पूजा बंद होने वाली है। अब इंद्र भगवान बोले, क्या बात कर रहे हो। हाँ यार बंद होने वाली है, मैं देख के आ रहा हूँ। कहाँ देख के आ रहे हो। मथुरा में गया था, हर साल इंद्र की पूजा होती थी ना, वो भगवान श्री कृष्ण यादव कुल के आए हैं गोकुल में, उन्होंने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और पहाड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। ये कहते ही इंद्र ने कहा, ऐसा होता है, मैं झूठ कहता हूँ, तुम जाके देख तो लो। इंद्र ने ऊपर से देखा, सचमुच इंद्र की पूजा बंद, गोवर्धन की पूजा चालू। अब इंद्र को आया गुस्सा, इंद्र प्रकृति पर पूर्ण अपनी शक्ति रखते हैं, क्योंकि उनके पास क्या, उनके पास ही वरुण देवता है, अग्नि देवता है, पृथ्वी है, आकाश है, पंच महाभूत वायु उनके पास ही है। तुमने कहा कि ये लोग मेरी बात नहीं होती, कृष्ण की बात मानते हैं। तो वरुण को कहा कि तुम जोर से वर्षा करवा दो, पूरी पूरी मथुरा बह जाए, ऐसा करो पानी वर्षा। देखते क्या है कि जोर से वर्षा होने लगी। कृष्ण देखते रह गए कि कृष्ण ने कहा, सब लोगों ने कहा, देख इंद्र को कोप हो गया और इंद्र वर्षा बरसा रहा है। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें मैंने गोवर्धन की पूजा करने के लिए कही है तो इस गोवर्धन एक गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने कहा, हे गोवर्धन मैं तुझे उंगली दे रहा हूँ आधार के लिए, तू ऊपर उठ जा और इस मथुरा के वासियों की रक्षा कर। गोवर्धन को जैसा ही कृष्ण ने कहा, गोवर्धन कृष्ण की उंगली पर आ गया और उसके आधार पर खड़ा हो गया। और कृष्ण ने जोर से चिल्ला कर कहा, जो लोग भी गोवर्धन पर विश्वास करते हैं सब पर्वत के नीचे आ जाए। और इंद्र ऊपर से कितनी भी बारिश कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा था, बारिश में कोई भीग ही नहीं रहे थे और भीगने पर भी कुछ हो नहीं रहा था। अब इंद्र ने देखा तो उतने में ब्रह्मा जी ने ये सब चीजें देखी और ब्रह्मा ने इंद्र को पूछ के बोला, क्या कर रहे हो यार तुम, ये क्या मथुरा पर वर्षा कर रहे हो, जानते हो कृष्ण कौन है। उन्होंने कहा, कृष्ण कौन है, साक्षात विष्णु का अवतार, विष्णु का अंश है और उन्होंने विष्णु का रूप धारण करके पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए भेजा है, तुम उनको छोड़कर वहां वर्षा कर रहे हो, तुम्हारी तो शामत आ गई। इन्होंने कहा, मैं क्षमा कर दूं, मैं जाता हूँ और कुछ ना कुछ करता हूँ। इंद्र आए भागते हुए कृष्ण के पास, बोले क्षमा कर दो। तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारी पूजा होगी लेकिन ये क्या कि तुम्हारी पूजा के साथ तुम कहो कि गोवर्धन बढ़ा या तुम बढ़े। कृष्ण इंद्र एकदम अचरज में रह गए, जब कृष्ण कहते हैं कि गोवर्धन बढ़े हैं, गौ में सारी 33 कोटी देवता हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ। तो कृष्ण ने कहा, अगर गोवर्धन में 33 कोटी देवता मानते हैं और इस गोवर्धन पर्वत ही गाय अगर अपनी चरती है और दूध मक्खन देती है तो क्या ये गोवर्धन पर्वत महान नहीं है। इन्होंने कहा, आप कहते हैं, आप जो कहते हैं सच है, फिर इसमें तुम भी तो हो, इस गौ में तुम भी तो वास करते हो, इसलिए मैंने ये गोवर्धन पर्वत की पूजा कही है। अगर तुम सत्य मानते हो तो इस वर्षा को रोक दो और तुम भी गोवर्धन की पूजा करो। उन्होंने इंद्र को कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की और कहा कि वर्षा मैं बंद कर देता हूँ, और उन्होंने बंद कर दी। आज हमारे गुरु भी महान हैं, जिसमें उन जिनके शरीर में सारे देवता बसते हैं। मैंने भी इंद्र से यही कहा, इंद्र की स्थापना करते हो, अगर तुम वर्षा बरसाते हो तो हमारे शिष्य कोई डरने वाले नहीं है, तुम कितना बरसाना है बरसा लो। हमारे गुरु भी 33 कोटि देवताओं के बराबर है, तुम बरसाओ तो हमारे गुरु हमारी रक्षा कैसे करेंगे, हम देखते हैं, हम भीगते हुए आएंगे लेकिन तुम्हारी वर्षा से नहीं डरेंगे। हम आज भीगते हुए आए, आज जिस पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं उस पंडाल के नीचे आज भी वर्षा करते होते, इंद्र थक गए 3 दिनों में, हम तो अच्छी तरह शिविर मना रहे, हम भाग नहीं गए कि शिविर नहीं करते हुए। ये इंद्र भगवान से ही हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरुदेव से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देखना आप है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि गुरु जी बारिश को क्यों नहीं रोकते हैं, मैं बोला डरने वाला हूँ यार, बारिश की ताकत उसकी बता दो, मेरी ताकत मैं बताता हूँ, मेरे गुरु की ताकत है या नहीं है। अगर बारिश से डर जाऊं, समझो एक जगह एक बार ऐसा ही हुआ था, एक राजा थे मानधाता राजा थे, उनके जमाने में बहुत जोर से बारिश हुई, इतनी बारिश की सब पानी में बह जा रहा था। तो उन्हें जाकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये बारिश रोको, क्या हो गया है, पूरी बारिश रोक दो नहीं तो सारा डूब जाएगा। तो उस देवता ने उनकी बात सुनी और बारिश रुकवा दी। देखते क्या है, अगले 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई, अब सब लोग हाहाकार मच गया, अरे बारिश रोक दी, बारिश थोड़ी हो ऐसा तो कहना था, बारिश ही रुकी तो 3 साल बारिश नहीं हुई। फिर वो मानधाता गए, सबरी प्रजा आ गई, प्रभु ये क्या हुआ, 3 साल से बारिश नहीं है, धन धान्य कुछ भी नहीं पक रहा है, कुछ तो करो।
अब मानदाता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने कहा था बारिश को रुकवा दो भगवान से, अब किस उस भगवान के सामने जाकर कैसा करूं कि फिर बारिश करवाओ। वे कहे कि मैंने कुछ ना कुछ करता हूं। वे घूमते घूमते जंगल में गए, देखे कि एक मुनि बैठे हुए। उस मुनि के पास जाकर बोले, भाई हमारे पास 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है, प्रजा पानी के कारण तहतह हो रही है, तड़प रही है, अब उसे कुछ ना कुछ करना है। वो ऋषि देखे और हंसे, मानदाता तुमने तो कहा वर्षा रुकने के लिए। हाँ भाई गलती हो गई थी, लेकिन अब बात अब कैसे करें आगे। तब उस ओ मुनि कहते हैं कि तुम्हें जिस तुम्हारे ग्राम देवता तुम्हारे श्रेष्ठ है, तुम्हारे गुरु को स्मरण करो और कहो कि वर्षा को करवाओ, और बाद में उन्होंने वर्षा करवाई। तो मैं अगर अब वर्षा को उनके कहने पर रोक देता तो 3 साल मेरे पास जो हरापन दिखना है नहीं होता था। मैं तो कहता हूँ कि प्रभु इंद्रदेव आपकी इच्छा के अनुसार बरसो, और मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आप इच्छा अनुसार हमारी रक्षा करो प्रभु। हम कोई डरने वाले, हमारा हरापन बना रहे और आपकी कृपा हम पर बना रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। यही चाहता हूँ कि हम हमारे जीवन में बहुत बार देखते हैं यह सामर्थ्य यह शक्ति हमारे में हर बार बनी रहे। हम ये सामर्थ्य किसी भी प्रकार के कष्टों को, किसी भी प्रकार के संकष्टों को हम सहने की शक्ति हमारे में हो। अगर ये नहीं हो तो हम कहीं नहीं जा सकते। हम आज हिमालय के मुक्तिधाम भी गए, जहाँ भी पहाड़ नीचे पड़ा। कल हम सुनते हैं कि अमरनाथ के बाद बहुत और बादल फटा और इतने लोग गए, केदारनाथ में भी सब कुछ हुआ। हमने भी यात्राएं की केवल गुरु के भरोसे पर, केवल गुरु के भरोसे पर, और आज तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना केवल खरोंच तक भी किसी को नहीं आई। हमने यात्राएं संपन्न की, हम अपने गुरु पर विश्वास रखते हैं तो हमें किस प्रकार की कोई भी शंका या कोई भी नहीं। जिसको शंका होती है उसे जरूर कुछ ना कुछ होता है। जैसा एक बार कहा था कि जैन लोग, जैन मुनि के, जैन मत वाले और बौद्ध मत वाले, ये दोनों भी सनातन धर्मियों के साथ कुछ झगड़ा हो गया था उनका इनका, तो सनातन धर्मियों के ऊपर उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया। तो वहाँ से गुरुकुल से बच्चे भागने लगे और उन्होंने कहा कि तुम गुरुकुल से भाग रहे हो, तुम बोलो तुम्हारे देवता पर भरोसा है तो तुम आगे कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य जी की प्रार्थना, सिर्फ शंकराचार्य भी थे और बौद्ध धर्म के मतावलंबी थे, तो वो जब देखे कि सनातन धर्म के लोग मानते ही नहीं, वो लोग अपने ही मानते, तो एक सनातन धर्म के मुनि के गुरुकुल के पीछे लोग पड़ गए और इतना भगाया कि वो लोग पहाड़ पर चढ़ गए उनके पीछे कि तुम मानो कि ये धर्म है ये धर्म नहीं है, इस प्रकार झगड़ा चल रहा था। तो हुआ ये कि वहाँ से पहाड़ के बाद फिर नीचे कुछ देखे तो बड़ी बड़ी खाई है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो उनके बातों से या तो मरना चाहिए, नहीं तो उनको धर्म को हम अवलंबन करना चाहिए, उनके धर्म को मानना चाहिए। तब कुछ शिष्य थे जो कट्टर सनातन धर्मी थे, उन्होंने क्या कहा कि प्रभु आपकी इच्छा है, मैं यहाँ से कूद जा रहा हूँ, अब आप देखना मेरी, आप मेरी रक्षा करना। वहाँ ने उनके गुरु को, गुरु पर विश्वास किया और ऊपर से सब लोग खाई में कूद गए, 4-5 थे, बाकी सब लोग थे, अरे कोई खाए पे धर्म मरने से भी अच्छा है, धर्म को अपना ले तो ठीक हो जाएगा। केवल 5 शिष्य थे, ऊपर से नीचे कूद गए। नीचे कूद गए, बाद में ये हुआ कि वो सब लोग सारे मर गए, लेकिन हुआ ये कि वो नीचे से चढ़कर बाहर आए। उस 5 शिष्यों में से 2 शिष्यों को थोड़ी खरोंच आई थी, इधर उधर मार लगाया था, एक का हाथ टूट गया। तो सब लोग अपने गुरु अपने देवता के पास आए और बोलने लगे कि प्रभु हम तो सनातन धर्म के लिए अपनी जान भी देने के लिए गए, कूद गए, लेकिन देखो मेरा हाथ टूटा है। और एक शिष्य ने कहा मेरे को सब खरोंचे आई है, झाड़ लगा हुआ है। तो गुरु ने कहा तू क्या समझा था। मैंने कहा उस 5 शिष्यों में 3 शिष्य को कुछ नहीं हुआ, 5 में से 2 को, एक को खरोंच आई, एक का हाथ टूटा। तब उन्होंने कहा कि तू कूदते समय क्या समझ रहा था। तो उन 3 शिष्यों ने कहा प्रभु आपकी रक्षा, प्राण देने के लिए तैयार हैं। तो इन दोनों शिष्यों ने कहा मेरे को एक लगा कि क्या हम ऐसे कूद रहा हूँ, मुझे गुरु रक्षा करेंगे, साला मर गया तो कैसा, ऐसी शंका एक में उत्पन्न हो गई। और दूसरे ने कहा मर गया तो यहाँ गुरु जी पकड़ लेंगे या नहीं पकड़ लेंगे। बोले तुम दोनों शंका से के साथ नीचे गिरे, इसके खरोंच आएंगे तो खरोंच भी नहीं आती थी, अगर विश्वास के साथ कूद जाते। तो अगर आप विश्वास के साथ भूम से हैदराबाद आते हैं तो बारिश नहीं, बारिश का बाप भी आए, बिजली भी गिरी, कुछ होने वाला नहीं। अगर विश्वास के साथ नहीं आते तो जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा लगता, आ जाते गुरु जी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ से इतना बारिश में तड़प के आ रहे हैं, गुरु जी बारिश भी नहीं रोक रहे हैं। ऐसी इच्छा मत करो, बारिश को तो बोलो आ जाओ, हम यहाँ शेर खड़े हैं निखिल चेतना केंद्र के, हमें कुछ होने वाला नहीं है, आप चलो आगे, आगे का काम मैं देखता हूँ। यहाँ घर में बैठे लोग बीमार है, छींक लाके बुखार आके बैठे हुए हैं, और जो साइकिल यात्रा करते हुए पाद यात्रा करते हुए बारिश में फीक के आ रहे हैं, उनको छींक तक नहीं आई ना बुखार आया। तो ये खड़े हैं, ये बड़े हैं, विश्वास उनका है, इनका बड़ा है।
आप विश्वास ये करते हैं कि हमारा विश्वास जितना श्रेष्ठ रहा उतना काम होता है।